डियर स्टूडेंट्स ज्ञान मी वेलकम यू ऑल आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर फाइव जो हमसे कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ दी फॉर्म 9m एम नाइन एम प्लस वन और नाइन प्लस एट ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा सिंपली एक इक्वेशन है क्या कौन सी इक्वेशन है वो तो वो है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर जीरो इज लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी अब उसमें देखते हैं कि ये जो ए है इसको क्या कहते हैं तो वो होता है डिविडेंट ए जो होता है वो होता है हमारा डिविडेंट बी होता है हमारा डिवाइजर क्यू होता है हमारा कोशंट क्यू होता है हमारा कोशंट और आर होता है हमारा रिमाइंडर अब ये जो इक्वेशन फ्रेम हुई है ये जो इक्वेशन फ्रेम हुई है कैसे हुई है तो ए और बी दो अल्फाबेट के थ्रू हुई है ए और बी और जहां पर ये माना गया है कि ए इज मोर देन बी अब ये ए और बी मतलब क्या

कि टू शो दैट मतलब हमें प्रूफ करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मतलब कौन से नंबर तो वन वन का क्यूब 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 आ जाए one, का का होता होता है ट्वेंटी सेवन मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये वन का क्यूब ठीक है ये जो आंसर आ रहा है वन एट ट्वेंटी सेवन अब ये तीनों जो है वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए या तो नाइन एम या तो नाइन एम या तो होंगे वो नाइन प्लस वन के फॉर्म में या तो वो होंगे नाइन प्लस एट के फॉर्म में ये बात को हमें प्रूव करना है ठीक है तो हम कोई भी दो नंबर दो अल्फाबेट को अज्यूम कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने अज्यूम किया है कि a इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये जो पोजिशन पर है वो क्या है हमारे लिए ए है ये जो पोजिशन पर है वो हमारे लिए क्या है ए तो इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर अब बी इक्वल्स टू हम क्या अज्यूम करेंगे देखो अब यहाँ पर ध्यान दे रहा है जो हमारी इक्वेशन है वो है बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर अब आप देख सकते हैं कि बी की पोजिशन पर आ रहा है नाइन बी की पोजिशन पर आ रहा है नाइन तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे रिमाइंडर की वैल्यूज़ बनेगी उसके अकॉर्डिंग मेरे रिमाइंडर्स की वैल्यू बनेगी वो क्या होगी ज़ीरो से लेकर जीरो से लेकर नाइन तक मतलब हर बार मुझे क्या करना होगा इफ़ आर इक्वल्स टू जीरो करके इक्वेशन में सेट करना है उसके बाद में आर इक्वल्स टू वन करके सेट करना है उसके बाद में आर इक्वल्स टू टू थ्री इस तरीके से करना है लेकिन अब ये नाइन जो है वो नाइन जो होते हैं वो किसके फैक्टर्स होते थ्री इन टू थ्री तो मैं क्या करूंगा बी इक्वल्स टू नाइन की जगह पर क्या ले लूंगा थ्री आंसर तो सेम आ ही जाएगा लेकिन आ बी इक्वल्स टू थ्री लेने से क्या होगा कि आर की वैल्यू सिर्फ कहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जीरो वन और टू चलिए देखते हैं कैसे तो बी इक्वल्स टू मैं क्या ले रहा हूं थ्री जो के क्या है फैक्टर ऑफ नाइन है ठीक है अब हम क्या करेंगे ए और बी पर यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ए इज मोर देन थ्री ए इक्वल्स टू इज लेस लेस देन देन और इक्वल्स टू क्या है हमारे इस इक्वेशन में थ्री तो यहां पर मैं रख रहा हूं थ्री तो क्या बन जाएगा ये आर इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू आर इज मोर देन और इक्वल्स टू जीरो जीरो टू आर बोलो या आर मोर देन और इक्वल टू जीरो बोलो दोनों बात एक ही है तो जीरो से बड़ा है यार जीरो होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए तो जीरो वन और टू बस यहाँ पर रुक जाना है क्यों क्योंकि आर जो है वो थ्री से छोटा है इसलिए आर थ्री से छोटा ही रखना है हमें तो जीरो वन टू अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैंने बी की जगह पर अगर नाइन लिया होता तो यहाँ पर भी मैंने नाइन लिखा होता और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा होता नाइन और जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पर जो वैल्यू निकलती वो कहाँ तक जाती एट एट तक वो वैल्यू जाती और हर बार मुझे क्या करना होता आर इक्वल्स टू तो जीरो आर इक्वल्स टू तो वन आर इक्वल्स टू टू ले सारी इक्वेशन को सेट करके बनाना पड़ता और बहुत ही ज्यादा टेडियस कैलकुलेशन हो जाता है और दो मार्क के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये चीज को इरेज कर रहा हूं अभी आर इक्वल टू जीरो हैं तो सबसे पहले रखेंगे इफ तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर की जगह पर मैं रख दूंगा 0. तो इक्वेशन देखते हैं क्या बन जाएगी एक्वल्स टू थ्री क्यू अब देखो मुझे क्या करना है ये ए की वैल्यू जो है वो है क्या है? क्यूब में मतलब मुझे क्यूब करना है मुझे क्या करना है क्यूब अब क्यूब भी क्या करना होगा क्यूब ऑन बोथ साइड्स अब मुझे क्यूब भी क्या करना होगा क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो चलिए करते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स क्यूब ऑन बोथ साइड्स कोई बात नहीं थोड़ा सा हम इरेजर का यूज करेंगे यहाँ पर बोथ साइड्स प्रॉपरली लिख देते हैं बी ओ टी एच एस आई टी एस तो क्या हो जाएगा ये ए क्यूब हो जाएगा और ये थ्री क्यूब दी होल क्यूब थ्री क्यू दी होल क्यूब अब अब क्या करेंगे हम? पहले थ्री का क्यूब थ्री का क्यूब हमें मिलेगा ट्वेंटी सेवन अच्छा थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन कैसे आया तो थ्री पावर थ्री मतलब थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री थ्री झा नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ठीक है तो थ्री क्यूब हमें मिल चुका है ट्वेंटी सेवन और क्यू का क्यूब क्या होगा क्यू क्यूब ठीक है अब हम देखते हैं हमें कौन से फॉर्मेट में लेकर आना है या तो नाइन एम या तो नाइन एम प्लस वन या तो नाइन एम प्लस एट तो हम इसको 9m में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे? तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 27 को हम 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके भी लिख सकते हैं ठीक है और ये q cube as it is अब हम क्या करेंगे 3q cube को m अज्यूम कर लेंगे तो 9m बन जाएगा क्यों? क्योंकि हमने m इस सम इंटीजर को क्या मान लिया है कि m equals to 3q ठीक है 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 तो पहला जो इफ उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली अब अब जाते है अब हम पर, पर हम one, one, तो हैं हम नेक्स्ट पेज क्या बनेगी एक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन अगेन हमें क्या करना होगा क्यूब ऑन बोथ तो करेंगे हम क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा ये ए क्यूब और ये क्या हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस वन दी होल क्यूब अब ये क्यूब वाले फैक्टर्स को किस तरीके से हम एक्सपांड करते हैं चलिए वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अगर a प्लस बी ए प्लस बी द होल क्यूब होगा तो उसको एक्सपांड हम कैसे करेंगे तो पहला जो टर्म होगा उसका क्यूब पहला जो टर्म होगा उसका क्यूब दूसरा जो टर्म होगा उसका भी क्यूब करेंगे और यहाँ पर जो साइन है वही साइन को हम यहाँ पर लिख देंगे अब हम क्या करेंगे जो पहला टर्म होगा उसका स्क्वायरिंग करेंगे पहला जो टर्म होगा उसका स्क्वायरिंग करेंगे और फिर उसके बाद में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे किन तीनों को तो इसको थ्री को बी को और ये पहले वाले स्क्वायर को तो ठीक है कर देते हैं हम तो प्लस ए का स्क्वायर और तीनों का मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय थ्री अब अगेन हम क्या करेंगे अब हम बी का स्क्वायर करेंगे अब हम बी का स्क्वायर करेंगे और ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई ए चलिए इसको लिख देते हैं हम

तो चलिए एक्सपांड करते हैं सेम वे में तो सबसे पहला जो टर्म है थ्री क्यू क्यूब इसको क्यूब कर देंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे प्लस जो है इसका क्यूब कर देंगे तो प्लस का cube, अब हम करेंगे थ्री क्यू का स्क्वायर और ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई तो चलिए करते हैं तो प्लस थ्री क्यू का स्क्वायर और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई थ्री क्यू दी होल स्क्वेयर मल्टीप्लाईड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री अब अगेन क्या करेंगे ये जो वन है उसका स्क्वायर करेंगे और ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का स्क्वायर मल्टीप्लाइड क्यू मल्टीप्लाइड बाई थ्री ठीक है तो सबसे पहले इसका क्यूब कर ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब प्लस थ्री cube, cube cube का स्क्वायर होगा नाइन और क्यू का स्क्वायर एज इट इज हम क्यू देंगे और वन मल्टीप्लाइड थ्री हो जाएगा three हो जाएगा वन का स्क्वायर होगा वन और थ्री थ्री झा नाइन तो नाइन क्यू प्लस वन का क्यूब एज इट इज हम वन लिख देंगे अब अगेन इसको लिख रहे हैं ये और थ्री झा कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू प्लस वन अब हम देख सकते हैं कि प्लस वन का फॉर्म ऑलरेडी है अब हमें सिंपली क्या करना है नाइन एम उसको कन्वर्ट कर देना है तो हम क्या करेंगे नाइन कॉमन ले लेंगे तो ट्वेंटी सेवन के फैक्टर्स क्या होते हैं ट्वेंटी सेवन के फैक्टर्स होते हैं नाइन मल्टीप्लाइड फैक्टर्स होंगे नाइन मल्टीप्लाइड बाय वन तो यहाँ पर नाइन नाइन और नाइन तीनों जगह पर कॉमन है तो हम क्या कर देंगे नाइन को कॉमन रख रहे हैं बार और यहाँ पर लिख देंगे हम थ्री क्यूब प्लस थ्री प्लस वन

और एक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस टू अगेन हम क्या करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब ऑन बोथ साइड हम कर रहे हैं क्यूब ऑन बोथ साइड में क्या करेंगे दोनों साइड पर क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू दी होल क्यूब अब इसको भी एक्सपांड हम कैसे करेंगे सेम वे में जैसे ए प्लस बी द होल क्यूब को हमने एक्सपांड किया हुआ है तो चलिए करते हैं इक्वल्स टू पहले का क्यूब थ्री क्यू होल क्यूब उसके बाद में लास्ट वाले नंबर यानी सेकेंड नंबर का क्यूब हम लिख देते हैं यहाँ पर टू का क्यूब अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहले टर्म का स्क्वायर मतलब थ्री क्यू का स्क्वायर करेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री क्यू थी होल स्क्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री अब अब अगेन क्या करेंगे करेंगे ये टू का स्क्वायर और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थ्री क्यू मल्टीप्लाइड बाय थ्री ठीक है अब हम क्या करेंगे थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब और इधर थ्री का स्क्वायर होगा नाइन और क्यू का स्क्वायर होगा क्यू स्क् तो हो नाइन क्यू स्क् और टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना सिक्स इधर टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और ये थ्री और ये थ्री का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नाइन क्यूब प्लस टू का क्यूब हमें मिलता कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर ये, 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 जा तो ये हो जाएगा फिफ्टी फोर क्यू स्क्सोर नाइनजा हो जाता है थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स क्यू बन जाएगा प्लस एट अब ये जो प्लस एट है प्लस एट है ठीक है उसको अपने कैसे लिख सकते हैं तो प्लस एट को अपने सेवन प्लस वन सेवन प्लस वन करके भी लिख सकते हैं प्लस एट को हम कैसे लिख सकते हैं प्लस एट को हम सेवन प्लस वन करके भी लिख सकते हैं लेकिन अभी हम नाइन एम प्लस एट का फॉर्म हमें चाहिए तो प्लस वन करने की जरूरत नहीं हमें 9M प्लस एट का फॉर्म चाहिए तो प्लस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है तो इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है हम सिंपली क्या करेंगे ये तीन टर्म में से नाइन को कॉमन ले लेंगे आप देख सकते हैं ट्वेंटी सेवन जो है वो क्या होता है नाइन थ्री ज्वेंटी सेवन उसके बाद में दूसरा टर्म जो है फिफ्टी फोर तो फिफ्टी फोर को हम देख सकते हैं कि फिफ्टी फोर जो है वो होता है नाइन सिक्स फिफ्टी फोर और थर्टी सिक्स जो है वो होता है नाइन फोर जर्टी सिक्स मतलब नाइन तीनों टर्म में कॉमन है तो हम नाइन को बाहर कॉमन ले रहे हैं ठीक है तो ये यह यहाँ पर थ्री बच रहा है तो क्या हो जाएगा थ्री क्यू क्यूब यहाँ पर क्या बच रहा है सिक्स तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्स क्यू स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है फोर तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोर क्यू प्लस एट अब हम इसको मान लेंगे एम तो क्या बन जाएगा यहाँ पर नाइन एम प्लस एट बिकॉज एम इज समीज एन समीज थ्री क्यू क्यूब प्लस प्लस फोर क्यूब मतलब या आप आप तो वो नाइन एम प्लस एट के फॉर्म में आएगा या तो वो नाइन एम प्लस वन के फॉर्म में, तो में आएगा या तो फिर वो कौन से फॉर्म में आएगा प्रीवियस पेज पर जाकर देखते हैं नाइन एम के फॉर्म में आएगा तो समझ में आ चुका है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब अगर हम करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा 9m 9m नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट ये बात को हमने प्रूव कर दिया आर रिमाइंडर तो तो अब हमने देखा क्यों तो तो हम नहीं लिया, तो 9 नहीं लिया कि ताकि अगर, अगर हम नाइन लेते तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती हमें आर इक्वल टू जीरो भी कैलकुलेट करना होता है

वन रखा है और उसके बाद में आर इक्वल्स टू टू रखा है इस तरीके से हमें पता चल चुका है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ नाइन एम प्लस वन नाइन एम प्लस एट और नाइन एम तो यहां पर हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में